बैक टू माई चैनल शिवमोहनी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये चंद्रिका बनाना बताऊंगी। इस चंद्रिका की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इस चंद्रिका को मैंने कैसे बनाया है, तो फाइनली आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये चंद्रिका बनाना बहुत ही आसान है। अभी तक की चंद्रिका में जैसे आपने देखा होगा तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसमें पहले देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है और इसका शेप कैसे लेना है। आपके किसी भी साइज़ के विग्रह हैं, आप उनके लिए आराम से चंद्रिका बना सकते हैं। बस आपको राधा रानी के हेड पर एक हार्ड पेपर या कागज़, आप कुछ भी वहाँ पे ले सकते हैं और उसे थोड़ा सा मेज़र करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर पुरानी चंद्रिका का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट में आपको दिखाती जाऊँगी। तो पहले आप आराम से देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे शेप में बन के तैयार हुआ है। तो अब चलिए मैं इसे बनाना बताती हूँ। मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का कार्ड यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर नॉर्मल किसी भी वेडिंग कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास ये कार्ड रखा हुआ था, मैंने उसका यूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पर कैसे भी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बुकरम के बेस पे भी गोल्डन कलर का पेंट लगा करके और उसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा इजी लगा और थोड़ा सा इसमें क्विकली बन जाता है। तो आप यहाँ पर पुरानी चंद्रिका का भी जो है ले सकते हैं उसका शेप ड्रॉ करने के लिए। मैंने यहाँ पर एक इस बार जो है थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो चलिए मैं इसी से आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए, मैंने एक तो बना लिया था, बहुत ही नॉर्मल जो कि आप भी बना सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर ऐसा रख करके और पेन पेंसिल की हेल्प से इसे पहले ड्रॉ कर लूँगी। इसके जो कर्व है, हाफ कर्व है, उसे हम ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके बाद जो है हम साइड का शेप खुद ब खुद अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें बड़ा बनाना है। तो मैं इसमें पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके बाद मटेरियल्स यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर बोन फिक्स को जो है लगा लिया है। आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जरदोसी यूज़ की हुई है और इसको हम किसी भी नुकीली चीज़ से, मेरे पास पेन है तो मैं उससे सेट कर लूँगी। तो अब ये देखिए, मैंने वो इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर वॉल चैन यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर टोटल वॉल चैन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जरदोसी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसे जो है हम कर्व पे लगाते जाएंगे ग्लू की हेल्प से एंड इसके बाद हम नेक्स्ट मटेरियल यूज़ करेंगे जरदोसी का ही। तो चलिए हम इसे जो है फिक्स कर लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जरदोसी लगा दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्टोन चेन यूज़ करूँगी। तो देखिए, आप इस वाली चंद्रिका को देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कर्व से थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर स्टोन चैन को यूज़ किया है। ऐसे ही हम इस चंद्रिका पे भी लगाएंगे। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया हुआ है। इसके बाद हम इसमें स्टोन लगाएंगे। मेरे पास ये पिंक कलर के स्टोन है, जैसे कि उसमें हमने ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ था। हम इसे पिंक कलर का बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें पिंक कलर के स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्टोन चैन को लगा लिया है। अब इसके बाद हम वन बाय वन इस स्टोन को यूज़ करेंगे इस प्रकार से। तो इसे जो है मैं ग्लू की हेल्प से पहले ग्लू लगा लेंगे, इसके बाद हम इसमें वन बाय वन वन सीक्वेंस में रखते जाएंगे अच्छे से। तो चलिए, मैं इसे इस टाइप से जैसे हमने इस चंद्रिका पे फिक्स किया है, तो इस कुंदन को भी हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम नेक्स्ट मटेरियल कैसे सेट करना है उसे बताते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि हमने इस चंद्रिका पे लगाया हुआ था, एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी इसे ऐसे लगा दिया है। तो आप जैसे मैंने देखिए, मैंने हाफ कर्व ले जो लिया था हमने, वहाँ से हमने थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए, क्योंकि हमारा जो शेप है चंद्रिका का उसे हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, इसलिए उस शेप के अंदर ही हमें मटेरियल यूज़ करना है, ताकि हम जब कटिंग करें तो वो मटेरियल वेस्टेज ना हो। तो जैसा ब्लू कलर की चंद्रिका में आप देख रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर मटेरियल को पहले लगा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको आराम से इसकी कटिंग करना भी बताऊंगी, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि मैं इसे कैसे कटिंग करती हूँ, तो उसे भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर हम स्टोन चैन को भी ऐसे लेते हुए जो है लगा देंगे। यहाँ पर मैंने ग्लू पहले से ही लगाया हुआ था, तो इसे हम सेट कर लेंगे। आप यहाँ तो इसे एज अपने हाथों से भी इसे सेट कर सकते हैं, या तो किसी भी शार्प चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं सेट करने के लिए। मैं यहाँ पर पिन का भी यूज़ करती हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर ग्लू लगा करके नेक्स्ट मटेरियल यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बोन फिक्स आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाए। आप यहाँ पर फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी आप हार्डवेयर की शॉप से आराम से खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिंक कलर की वॉल चैन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पिंक कलर के स्टोन यूज़ किए हुए हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर पिंक कलर का वॉल चैन यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही थोड़ा सा वॉल चैन था,
तो मैंने इसे यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर छोटा पीस भी बच जाता है वॉल चैन का तो आप उसको वेस्ट ना करें, उसको रख लें, क्योंकि हम ऐसी जब छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें बहुत आराम से यूज़ हो जाता है और काफ़ी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मटेरियल भी हमारा वेस्ट नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है और जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस वाली चंद्रिका में हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप का स्टोन, लॉक स्टोन यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप आई शेप का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर फिर से स्टोन चैन का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम ट्रायंगल शेप का जो हमने लॉक कुंदन यूज़ किया है उसमें हम वॉल चैन की कवरिंग कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको इयर रिंग की वीडियो में बताया था कि उसकी कवरिंग कैसे करना है, तो आप उस वीडियो से भी जा करके और वहाँ से ही देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इतना कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फिर से जरदोसी यूज़ कर रही हूँ। स्टोन चैन के बाद हम यहाँ पर जरदोसी लगा देंगे। और इसे मैं कैसे सेट करती हूँ क्योंकि आप लोगों को इतना समझ में नहीं आता, तो मैं आपको आज यहाँ पर क्लियर तरीके से ये दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे सेट किया है। तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगा लिया था, इसके बाद हमने यहाँ पर जरदोसी लगाई। अब हम इसकी एक्स्ट्रा जरदोसी की कटिंग कर देंगे, इसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर देंगे ताकि ये जो स्टोन चैन है उससे चिपक जाए। तो इस प्रकार से हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत आराम से फिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम जरदोसी यूज़ करते हैं चंद्रिका या किसी भी ज्वेलरी में। तो ये देखिए मेरे पास इस टाइप के ट्रायंगल शेप के लॉक स्टोन हैं जो कि मैंने इस वाली चंद्रिका में यूज़ किए हुए थे। तो अब हम इसमें जो है वॉल चैन की कवरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने कवरिंग करके और इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके अलग हम मैंने बुकरम पे चिपका करके और इसमें सेट कर लिया था, एक पैच टाइप सा हमारा बन गया था। इसके बाद हमने यहाँ पर दो एक्स्ट्रा कुंदन रख दिए हैं पिंक कलर के, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी यूज़ किए थे। तो हम इसके साइड में जैसा कि हमने चंद्रिका का शेप बनाया था उस शेप पे हमने यहाँ पर बोन फिक्स लगा लिया। अब हम यहाँ पर इसमें स्टोन चैन यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर वॉल चैन भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर पर्ल चैन है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उससे और भी प्यारा लुक आता है। वो मेरे पास अभी करेंटली नहीं थी तो मैंने यहाँ पर स्टोन चैन का यूज़ किया हुआ है। अब इसमें जो हम शेप बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसमें कटिंग कर लेंगे एंड इधर हमने जैसे राइट तरफ यूज़ किया है उसे हम लेफ़्ट तरफ भी ऐसे ही यूज़ कर लेंगे और इसे हम बना करके कम्प्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इधर भी ग्लू लगा लिया। अब हम यहाँ पर स्टोन चैन को लगा करके और पिन की हेल्प से इसे प्रेस करते हुए फिक्स कर देंगे और ये बहुत आराम से क्या है क्विकली जल्दी से ये चिपक जाता है बोन फिक्स से जब हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। तो आराम से हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इस चंद्रिका को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ये दोनों चंद्रिका को अगर बनाया है तो बहुत ही कम टाइम पे बना करके मैंने इसे रेडी कर लिया था। तो आई होप कि आप भी आराम से इसे बना सकते हैं, क्योंकि आप मटेरियल अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया आप भी वही यूज़ करें, और बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ पर मल्टी कलर से भी रिलेटेड बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे फाइनली बना के कंप्लीट कर लिया है। वन वन वॉल चैन को मैंने कट करके जहाँ पर गैप आ रहा था मैंने वहाँ पर भी इसे फिलअप कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इस प्रकार से हमने चंद्रिका बना कर तैयार की है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम पर ऐसे चंद्रिका बनाई जा सकती है जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया है। और आशा करती हूँ आपको सारा ये जो जितना भी मैंने मेथड बताया वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया हो। अब मैं इसकी जो है कटिंग करूँगी, तो चलिए मैं इसकी कटिंग करना बताती हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ऊपर स्टोन लगाया था उसमें से बहुत प्यारा आया है लुक। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली क्योंकि ये हार्ड कार्ड के ऊपर था तो कटिंग करना बहुत ही आसान था। अब हम इसके बैक में जैसे कि हमने पहले गोल्डन कलर का कार्ड यूज़ किया था वैसे ही हम जैसे हमने यहाँ पर इस चंद्रिका में लगाया है वैसे ही हम इस पिंक वाली चंद्रिका पे भी लगा करके और जो है सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक में इस प्रकार से कार्ड को लगा दिया है, हमने उल्टा लगाया ताकि पीछे से भी गोल्डन कलर दिखे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सीधी सीधी कटिंग है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत नॉर्मल से मटेरियल को जो है लगाया हुआ है। तो बहुत ही आराम से आप यहाँ पर छोटी सीजर्स का यूज़ करें, बड़ी सीजर्स से उतनी प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं हो पाती। तो ये देखिए मैंने बहुत ही आराम से कटिंग कर लिया क्योंकि कार्ड पे था तो बहुत आराम से कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखिए मैंने इसे फाइनली बना लिया, बहुत ही सुंदर है। थोड़ी सी मैंने शेप में थोड़ा पड़ी बनाई है
ताकि ये जो हमारी राधा रानी है उसमें उनको जब हम लगाएं तो हैवी लुक आना चाहिए, जैसे कि उनका ड्रेस है। और आप किसी भी ड्रेस में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देखिए बैक से कुछ इस प्रकार से और फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिख रही है, बहुत ही सुंदर लगी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस चंद्रिका को बनाने ट्राई किया, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और बहुत ही कम टाइम पे बन गया। मटेरियल आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉमेंट्स आप करते हैं कि मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो देखिए मटेरियल आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों का डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि कहाँ पर क्या जो है लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत ही कम टाइम पे मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो चंद्रिका का, और काफ़ी डिमांडिंग भी रहा है ये शुरू से ही, तो मुझे लगा कि इस बार जो है थोड़ा लेट भी हो गया है इस वीडियो को आने में, तो उसके लिए शो सॉरी। सो आई होप गाइस आपको हमारा पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है shivmoni14, तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसी ही न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।